कब से किस्मत फूटी ओ स्वामी स्वामी बजने लागे लगन राम से छूटी। अरे महाराज बड़े चमत्कारी हैं, चमत्कारी हैं, चलो चलो उनके पास चलो। सुबह से लेके शाम तक समय ही नहीं मिलता महाराज। अरे महाराज मेरे ये दिक्कत, मेरे ये समस्या, मेरे ये समस्या। उन्होंने सोचा भाई मैं कब भजन करूं। मान बढ़ाई जब से आई तब से किस्मत टूटी, मेरी किस्मत टूटी। सब स्वामी ओ महाराज ओ महाराज ओ महाराज ओ महाराज करते करते और उनका ध्यान करते करते जो मेरी लगन है, मेरी माला है, लगन राम से झूठी, इसको बंद करो। अब परमहंस बन गए हमारा, सारी वृद्धि सिद्धियों को कहां जाओ, अब हमें जरूरत नहीं है आपकी। और जैसे कोई पगला मनुष्य होता है वैसे करने लगे, सारे वस्त्रों को त्याग दिया है, पागलों की तरह घूमने लगे, पागलों की तरह हरकतें करने लगे, क्योंकि उनको पता था जब तक ये नहीं करूंगा तब तक ये संसार के लोग आते रहेंगे अपने स्वार्थ के लिए। हाँ महाराज सब छोड़ दिया, लोगों ने समझा महाराज पागल हो गए, सारा चमत्कार दिखाना छोड़ दिया, मुंह में पत्थर रख लिया हमारा। भीड़ आती तो मुंह खोल के दिखा दिया, आ मोटा सा पत्थर। सबने सोचा महाराज पागल हो गए, चलो 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 चलो, अब महाराज के पास कुछ नहीं है, सब खाली हो गए हमारे। अब ऋषभ देव जी पुनः भगवान का भजन करने, कहने का अभिप्राय साधु को संत को सन्यासी को कभी भी चमत्कार के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अरे चमत्कार के चक्कर में पड़ना ही था तो फिर ग्रस्त नहीं रह जाता कि हम तो सेवा कर रहे हैं। अरे सेवा तो बहुत हो जाएगी, अपनी नाव का ठिकाना नहीं और तुम दूसरों की नाव का ध्यान रख रहे हो मान। अरे अपनी नाव का तो ध्यान रखो, मानो श्री ऋषभदेव जी महाराज ये कहना चाह रहे हैं कि भगवान की भक्ति कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए, समय निकाल के भगवान का कीर्तन भजन मनन करना चाहिए। और उन्हीं उसी समय उसी काल में एक अरहर नाम के राजा थे जिन्होंने श्री ऋषभदेव जी महाराज का अनुसरण किया और वहीं से जैन धर्म का शुभारंभ हुआ। अरहर नाम के एक राजा ऋषभदेव जी के तब से बाद ये ऋषभदेव जी से ये परंपरा प्रारंभ हुई। सबसे पहले तीर्थंकर है ऋषभदेव जी महाराज। बोलिए ऋषभदेव जी महाराज की जय हो। महाराज अपने पिता श्री ऋषभदेव जी की यह गति जब देखी तब राजा भरत ने भी सोचा, जो उनके पुत्र थे, कि मेरे पिता इस रास्ते में गए तो मुझे भी अब भगवान की चरण शरण ग्रहण करनी चाहिए। और उन्होंने भी अपने पुत्र को राज देके और अब वो भी आ गए। और नारायणी नदी जो नेपाल में है जिनका नाम गंडकी नदी भी है, वहां जाके और तपस्या करने लगे भरत जी महाराज। ये वही नारायणी नदी है जहां शालिग्राम भगवान
प्रकट होते हैं। आज भी ये चमत्कार है इस कलयुग में भी। तुलसी दल आप लेके जाओ और तुलसी दल जो ही जल में आप डालोगे, हजारों फीट नीचे से शालिग्राम भगवान आएंगे और उस तुलसी का स्पर्श करके जाएंगे। ये आज भी है। बोलिए शालिग्राम भगवान की जय हो। और वो शालिग्राम भगवान में सोना रहता है महाराज, कुछ अंश सोने का है। तुलसी जी अत्यधिक प्रिय हैं, इसीलिए भगवान शालिग्राम की तुलसी चढ़ती है। भरत जी बैठे हैं और अब भगवान का भजन कर रहे हैं महाराज। भजन करते करते एक एक दिन में 500 माला करने लगे, लेकिन एक दिन संयोग बस क्या हुआ, एक सिंह एक हिरणी के पीछे झपटा है मारा। एक समय भरत जी स्नान कर रहे थे नदी में, हिरण की गर्भ था पीठ से थी मारा, पानी पीने आई और शेर ने जो ही छलांग लगाई तो बचने के प्रयास में उसने भी छलांग लगाई, पर नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे जो ही छलांग लगाई और क्या हुआ, जो ही जोर लगा और उसका जो बच्चा है हिरणी का वो पानी में गिर गया, और जैसे ही वो हिरणी गिरी और उसका वही प्राणांत हो गया। और वो छोटा सा बच्चा जिसने आंखें भी नहीं खोली थी नदी की धारा में धीरे धीरे बह के आ रहा।